नंबर ऑफ पीपल है ना, अ नंबर ऑफ पीपल इस तरह से. सो अ नंबर ऑफ पीपल इज या अ नंबर ऑफ पीपल आर, ठीक है. और ऐसा होता है कि द नंबर ऑफ शॉप्स इन द सिटी, इस तरह से करके सेंटेंसेस होते हैं कि आजकल शहरों में दुकानों का काउंट बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है. तो अगर वहां पे वर्ड नंबर तुम्हें दिख जाए तो बेस्ट चीज ये होती है कि नंबर से पहले अ है या द है, ये डिसाइड कर देगा कि तुम्हारी वर्ब क्या होनी चाहिए. सो लुक फॉर द वर्ड, लुक फॉर द वर्ड, कौन सा वर्ड, नंबर, 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 ठीक है. और ये रूल है कि इफ बिफोर नंबर, नंबर से पहले देयर इज अ, देयर इज अ, ठीक है, दैट इज अ नंबर, देन द वर्ब विल बी प्लूरल. ये अ के साथ है. इफ बिफोर नंबर देयर इज द, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक बहुत एक क्विक टिप है या एक ट्रिक है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरह से इसे डिसाइड करना. जनरली लोग दूसरे यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप से यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन इन इस तरह के सेंटेंसेस में खासकर आपको सिर्फ ये देखना है कि अ नंबर है या द नंबर है, उससे आपकी वर्ब डिसाइड हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ वी कैन टेक अ लुक एट द एग्जांपल. सो अगर अ नंबर है देन द वर्ब विल बी प्लूरल, अगर द नंबर है देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. इन तीनों में से क्या होना चाहिए? A number of people are very good at maths. So a number of people is then a number of people are very good at maths. So हमने देख लिया कि यहाँ पे a number है तो हमारी verb automatically plural पे होगी. People खुद में plural है. Person is singular, people is plural. So people's okay. Next is the number of stars. The number of stars number of stars
नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई सीम या सीम्स, इन दोनों में से क्या हो सकता है? सीम्स. सीम्स क्यों? सो द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई सीम्स काउंटलेस. सीम है. The number of stars in the sky seems countless. यहाँ पे हमने देखा the number और उसके हिसाब से decide करना कि जो हमारी work है वो सिर्फ. Okay? We will take more examples later.